Welcome back to the lecture series of hydraulic machine. So up till now we have covered all the portion regarding centrifugal pump and its numerical. So when we were starting the pump, I have told you that we have two types of pumps, or we can categorize pumps in two categories. First was reciprocating pump or positive displacement pump or rotodynamic pump. So all the information, all the data which is required to understand the rotodynamic pump, I have already provided, because centrifugal pump itself is a rotodynamic pump. So from now onwards, or from this lecture, we will going to cover about positive displacement pumps. Okay. So as we have already have the basic understanding of what is positive or what are the positive displacement pumps. So these are those pumps wherein liquid is sucked and then is actually displaced to the thrust exerted on it by a piston, thereby results in lifting the liquid to a required height. So jab humne dekha tha last time positive displacement pump ke cases mein, jab hum categorize kar rahe the pumps ko, to wahan pe maine ek chota sa diagram bana ke bataya tha ki positive displacement pump kaisa hota hai. Mere paas kya hota hai positive displacement pump mein, is tarah se ek chamber laga hoga. होता क्या उस चैम्बर में, इस तरह से एक चैम्बर लगा होगा, उस चैम्बर से दोनों एंड्स की तरफ पाइप्स लगे होते हैं. तो यहाँ पे एक पिस्टन अरेंजमेंट, पिस्टन या प्लंजर अरेंजमेंट होता है जो कि कनेक्टेड होता है आगे, वो देखेंगे किस तरह से कनेक्टेड होता है. तो जब ये पिस्टन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है तो वाटर सक करता है, और जब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है तो वाटर को क्या करता है, आगे को डिलीवर करता है. तो ये क्या होता है हमारे पास, इसलिए इस पिस्टन की डिस्प्लेसमेंट की वजह से ये पंप क्या कर रहा होता है, वाटर को डिलीवर कर रहा होता है हमारे पास. इसीलिए इस तरह के पंप्स को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स. और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप का जो मेन एग्जांपल कह लो, या फिर एक जो हम कहते हैं रेसिप्रोकेटिंग पंप भी कहते हैं, क्या कहते हैं, रेसिप्रोकेटिंग पंप. ठीक है, सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप. नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, रेसिप्रोकेटिंग पंप इज अ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप. The conventional type of reciprocating pump is usually called as ramp or plunger pump. दिख रहा होगा यहाँ पे, ये जो डायग्राम बनाते हुए मैंने बताया, इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, प्लंजर कहते हैं. इसीलिए इस तरह के पंप को जनरली वी कॉल्ड एज रैम्प और प्लंजर पंप. सो बेसिकली रेसिप्रोकेटिंग पंप कैन बी क्लासिफाइड इंटू थ्री कैटेगरीज, और कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड अपॉन द थ्री कैटेगरीज. फर्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द एक्शन ऑफ वाटर. एक्शन ऑफ वाटर क्या होता है, अभी थोड़ा डिटेल में समझेंगे, बस अभी यहाँ देख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू एक्शन ऑफ वाटर इट कैन बी कैटेगराइज एज सिंगल एक्टिंग पंप और डबल एक्टिंग पंप. ओके, सिंगल एक्टिंग एंड डबल एक्टिंग पंप. नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सिलेंडर. जस्ट आई हैव ड्रॉन दिस डायग्राम, तो दिस वॉज सिंगल सिलेंडर पंप, वी कैन से दिस सिंगल सिलेंडर पंप. नेक्स्ट स्लाइड में भी देखेंगे वट आर डबल सिलेंडर एंड ट्रिपल सिलेंडर पंप एंड हाउ दे वर्क. एंड थर्ड कैटेगरी और थर्ड बेसिस इज अकॉर्डिंग टू द एग्जिस्टेंस ऑफ एयर वेसल. तो हमारे पास जब हम एक कंपोनेंट और लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे रेसिप्रोकेटिंग पंप में, तो हमारे पास एक पार्ट आता है रेसिप्रोकेटिंग पंप का, दैट इज नोन एज एयर वेसल. तो उसके टॉपिक में जब हम देखेंगे तो हमारे पास दो तरीके के पंप हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एयर वेसल, वेदर वी हैव कनेक्टेड एयर वेसल टू द रेसिप्रोकेटिंग पंप और नॉट. सो विद एयर वेसल और विदाउट एयर वेसल. सो होपफुली ये क्लासिफिकेशन क्लियर होगा. नेक्स्ट मूव करते हैं. नेक्स्ट मूव देखो, नेक्स्ट पार्ट जो हमारे पास है यहाँ पे क्या है, अकॉर्डिंग टू द एक्शन ऑफ वाटर, कि वाटर कैसे एक्ट कर रहा है हमारे प्लंजर के ऊपर. उसके बेसिस पे हमने क्या किया, दो तरीके के पंप बनाए, सिंगल एक्टिंग एंड डबल एक्टिंग पंप. सो बाय द डेफिनेशन, इफ द लिक्विड इज इन कॉन्टेक्ट विद वन साइड ऑफ द पिस्टन और प्लंजर, देन इट इज नोन एज सिंगल एक्टिंग पंप. तो यहाँ पे इस डायग्राम में थोड़ा डिटेल में हम देख सकते हैं वाटर होगा क्या, ये हमारे पास ये क्या बना रखा है, ये जो बॉक्स या सिलेंड्रिकल शेप है वो क्या है हमारे पास, पिस्टन कहलाता है. तो ये पिस्टन जो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो वाटर हमारा क्या करता है, डिलीवर करता है. ये जो नीचे वाली हाइट होगी ये क्या कहलाती है, सक्शन हाइट है. सेम एज इन केस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, क्या हमने देखा था व्हाट इज सक्शन हेड. सिमिलरली हमने वहां पे सेंट्रीफ्यूगल पंप में एक और टर्म देखा था, दैट इज डिलीवरी हेड. तो यहाँ पे भी वो दोनों चीजें सेम है, सक्शन हेड एंड डिलीवरी हेड. तो हमारे पास क्या हो रहा है, जब ये प्लंजर इस तरह से मूव कर रहा है तो ये वाटर यहाँ एंटर करता है, उसके बाद ये वाटर क्या करता है, डिलीवरी पाइप में जाता है. तो अगर हम देखेंगे सिंगल एक्टिंग पंप के केस में, जो हमारा वाटर है वो क्या है, सिंगल सरफेस से ही, एक ही सरफेस से कॉन्टेक्ट में, दोनों साइड से कॉन्टेक्ट में नहीं है. तो दीज टाइप ऑफ पंप्स आर नोन एज सिंगल एक्टिंग पंप. नेक्स्ट जैसे लिखा है, सिंगल एक्टिंग पंप हैज वन सक्शन एंड वन डिलीवरी पाइप.
एक ही सक्शन होती है और एक ही डिलीवरी पाइप, एक ही सक्शन पाइप होती है और एक ही डिलीवरी पाइप होती है। अब आगे देखते हैं व्हाट आर डबल एक्टिंग पंप। डबल एक्टिंग पंप क्या होता है, जिसके कॉन्टेक्ट विद बोथ द साइड्स ऑफ द पिस्टन, जहां पे वाटर क्या हो पिस्टन के दोनों ही साइड के कॉन्टेक्ट में हो। जैसे वाटर अगर यहाँ से एक बार एंटर करेगा तो एक बार इसके साइड इस फेस पे कॉन्टेक्ट में होगा, सेकेंड टाइम पे वाटर हम क्या करेंगे जब ये बैकवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहा होगा, यहाँ पे समझो जब ये बैकवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहा होगा तो वाटर क्या करेगा यहाँ से सक करेगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो यहाँ से तो वाटर डिलीवर करेगा पर इस एंड से देखो इस एंड से वाटर क्या करेगा एंटर करेगा, तो वाटर क्या होगा ऑटोमेटिकली इस साइड के भी क्या आ जाएगा कॉन्टेक्ट में आ जाएगा। तो इन दिस केस वाटर इज इन कॉन्टेक्ट विद बोथ द फेसेस ऑफ द प्लंजर और पिस्टन। दीज टाइप ऑफ पंप्स आर नोन एज डबल एक्टिंग पंप। ऐसे पंप जिनके जिसमें प्लंजर की दोनों साइड पे हमारे वाटर कॉन्टेक्ट में हो, दोज आर नोन एज डबल एक्टिंग पंप। अब डबल एक्टिंग पंप में क्या होता है, हमारे पास दो सक्शन पाइप्स होती हैं और दो ही डिलीवरी पाइप्स होती हैं, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना है, डबल एक्टिंग पंप में दो सक्शन पाइप होती है, दो ही डिलीवरी पाइप होती है। डिटेल में अभी वर्किंग को देखते हैं कि दोनों की वर्किंग में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन वॉज बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ सिलेंडर्स, कितने नंबर ऑफ सिलेंडर यूज किए गए। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो कितना सिलेंडर यूज किया गया, सिंगल सिलेंडर एंड पिस्टन कनेक्शन यूज किए गए। यहाँ पे अगर हम देखते हैं इसमें क्या है, टू सिलेंडर रेसिप्रोकेटिंग पंप। दिस टाइप ऑफ पंप इज नोन एज टू सिलेंडर रेसिप्रोकेटिंग पंप। यहाँ पे हम देख सकते हैं हमने क्या है दो सिलेंडर का यूज किया है, यहाँ पे फर्स्ट सिलेंडर और सेकेंड सिलेंडर। इनकी वर्किंग पे जाने की इतनी ज्यादा जरूरत है नहीं, बस इतना सफिशियंट है। बाकी थोड़ा ब्रीफ अगर देखना है, शॉर्ट में देखना है तो होता क्या है, इस केस में क्या होता है दोनों के ही जो रॉड होती है, जो कनेक्टिंग रॉड होती है या पिस्टन रॉड होती है, वो क्या होती है साइक्लिक फॉर्म में मूव करती है। जब एक बार एक अंदर जा रहा होगा तो दूसरे में प्लंजर क्या हो रहा होगा बाहर आ रहा होगा। सिमिलरली हमारे पास क्या हो सकता है एक और तरीके का हो सकता है थ्री सिलेंडर। इसमें हमने क्या है तीन सिलेंडर यूज किए, फर्स्ट सिलेंडर सेकेंड सिलेंडर एंड नेक्स्ट इज थर्ड सिलेंडर। तो वी आर यूजिंग थ्री सिलेंडर, दिस इज व्हाई दिस टाइप ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप इज नोन एज थ्री सिलेंडर रेसिप्रोकेटिंग पंप। यहाँ पे भी जब हमारा पिस्टन की रॉड होगी इट विल मूव इन साइक्लिक फॉर्म, जब एक अंदर होगा तो दूसरा पार्शियली आउट होगा, इन आउट चलता रहेगा, ठीक है। इस तरह से ये सिलेंडर या इस तरह के रेसिप्रोकेटिंग पंप हमारे पास वर्क करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग पंप। क्योंकि जो हमारा रेसिप्रोकेटिंग पंप है इट इज रिलेटिवली वेरी इजियर देन सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप की कंपैरिजन में रेसिप्रोकेटिंग पंप समझना बहुत आसान है और छोटा सा ही रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है, ज्यादा बड़ा इसकी डिटेल होती नहीं, वर्किंग भी आसान है और बाकी जो दो तीन डेरिवेशन है वो भी काफी आसान है। इसमें वेलोसिटी ट्रायंगल वगैरह का कोई यूज होता नहीं है, तो सिंपल है। इसके जो क्वेश्चन भी होते हैं काफी सिंपल होते हैं, फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, तो जो भी फॉर्मूला यहाँ पे अभी लेक्चर में दिखेगा उसको नोट डाउन कर लो, उसको मेमोराइज कर लो, तो उससे ही काम बन जाता है इन केस ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप, ज्यादा दिक्कत होती नहीं है रेसिप्रोकेटिंग पंप। तो लेट अस सी व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग पंप, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं हमारे रेसिप्रोकेटिंग पंप के। तो मेन कंपोनेंट जो होते हैं हमारे पास क्या होते हैं, पिस्टन और प्लंजर, डिलीवरी सक्शन पाइप, नॉन रिटर्निंग वॉल्व, कनेक्टिंग रॉड एंड क्रैंक। पांच हम कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं कंपोनेंट्स को। तो ये डायग्राम से हम देखते हैं कि व्हाट आर दीज कंपोनेंट। जैसे मैंने अभी बताया पिस्टन और प्लंजर तो हम समझ चुके हैं, जो मूविंग एलिमेंट होगा इनसाइड द सिलेंडर दैट इज नोन एज पिस्टन और प्लंजर, जो मूव कर रहा होगा फॉर टू एंड फ्रो मोशन। तो अब नेक्स्ट हमारे पास सेम दो चीजें, जो पाइप जो हमने सेंट्रीफ्यूगल पंप में देखी थी, डिलीवरी पाइप एंड सक्शन पाइप, दो पाइप हो गए हमारे पास। सिमिलरली देखो हमने एक वॉल्व वहां पे मैंने बताया था, नॉन रिटर्निंग वॉल्व क्या होता है और क्यों यूज करते हैं हम नॉन रिटर्निंग वॉल्व में। तो एक बार उस वीडियो लेक्चर को, फर्स्ट वीडियो लेक्चर जो होगा सेंट्रीफ्यूगल पंप का, उसको दोबारा जाके देखना। उस केस में फुट स्ट्रेनर के पास एक नॉन रिटर्निंग वॉल्व का यूज किया गया था, ठीक है। इस केस में क्या होता है, हमारे पास दो नॉन रिटर्निंग वॉल्व होते हैं, ये यहाँ पे जो टी शेप से बना रखे हैं, दीज टू आर डिनोटिंग नॉन रिटर्निंग वॉल्व। नॉन रिटर्निंग वॉल्व द्वारा बताता हूँ, नॉन रिटर्निंग वॉल्व में होता है कि दे अलाउ मोशन ऑफ द लिक्विड इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में क्या करते हैं लिक्विड के मोशन को अलाउ करते हैं। जैसे इस वाले केस में सक्शन पाइप के केस में जो नॉन रिटर्निंग वॉल्व होगा वो केवल अपवर्ड डायरेक्शन में ही या इसी डायरेक्शन में केवल वाटर को क्या कराएगा, मूव कराएगा। सिमिलरली जो हमारे पास डिलीवरी हेड में नॉन रिटर्निंग वॉल्व लगा है वो भी क्या कराएगा, केवल इसी डायरेक्शन में वाटर को मूव कराएगा, बैक डायरेक्शन में अलाउ नहीं मूव करने देंगे वाटर, ठीक है। नेक्स्ट, तो पहले दो कंपोनेंट हो गए हमारे पास, थर्ड कंपोनेंट भी हो गया। नेक्स्ट कंपोनेंट इज कनेक्टिंग रॉड। अब हमारा जो प्लंजर सिस्टम होता है, जो प्लंजर का पार्ट होता है वो क्या होता है, एक क्रैंक से कनेक्टेड होता है। क्रैंक क्या होता है, जैसे हमने
क्रैंक का मतलब है कि हम एक एलिमेंट को क्या कर रहे हैं, एक सर्कुलर मोशन में कॉन्टिन्यूसली मूव करा रहे हैं। ये जो एलिमेंट यहाँ पे दिख रहा है, ये जो एलिमेंट है, दिस इज नोन एज क्रैंक, जो फिफ्थ पार्ट ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग पंप है। तो क्रैंक और प्लंजर को क्या है, एक रॉड कनेक्ट कर रही होती है। दिस रॉड इज नोन एज कनेक्टिंग रॉड। वो रॉड क्या कहलाती है, कनेक्टिंग रॉड कहलाती है। तो इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल बतानी चाहिए हमें। नेक्स्ट इज व्हाट इज द वर्किंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप और हाउ अवर रेसिप्रोकेटिंग पंप वर्क्स। हमारा रेसिप्रोकेटिंग पंप वर्क कैसे करता है, देखो हमने अभी क्रैंक समझ लिया है कि क्रैंक होता क्या है, जो रोटेटिंग एलिमेंट होगा। तो अगर हम लेमन लैंग्वेज में देखना चाहें तो जब ये क्रैंक इस सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा होगा, इस पाथ में मूव कर रहा होगा, तो ऑटोमेटिकली जब ये इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक मूव कर रहा होगा, जब ये यहाँ से लेके, जब एक बार मेरा क्रैंक यहाँ है और वो मूव करके कहाँ पहुंच गया, इस डायरेक्शन पहुंच गया, 180 मूव कर चुका है, तो मेरा जो प्लंजर होगा, प्लंजर विल बी मूविंग आउटवर्ड इन द सिलेंडर। प्लंजर क्या कर रहा होगा, अवे फ्रॉम द वॉटर मूव कर रहा होगा, वॉटर से दूर, या फिर सिलेंडर को, सिलेंडर के अंदर स्पेस बना रहा होगा। जब ये सिलेंडर के अंदर स्पेस बना रहा होगा तो सिलेंडर में क्या होता है, नेगेटिव प्रेशर जनरेट होता है। नेगेटिव प्रेशर जनरेट होने के कारण जब एक बार यहाँ नेगेटिव प्रेशर जनरेट हो जाएगा और ये जो सम्प है हमारा जहाँ से हम वाटर कलेक्ट कर रहे होंगे, तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव, तो हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर हमारा वाटर क्या करने जाएगा, इनसाइड द सिलेंडर मूव करने लगेगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, जब ये क्रैंक 180 टू 360 मूव कर रहा होगा, हमारा क्या क्रैंक क्या करेगा, 180 टू 360 मूव करेगा, तो ऑटोमेटिकली जो हमारा प्लंजर होगा वो क्या करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगेगा, मतलब इनसाइड द सिलेंडर मूव करने लगेगा। तो इनसाइड द सिलेंडर जैसे ही मूव करेगा तो यहाँ पे जो प्रेशर, सॉरी यहाँ पे जो वाटर कलेक्ट हो रहा था उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जब उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, डिलीवरी पाइप में जाना स्टार्ट हो जाएगा और जो जिस पॉइंट तक हमें डिलीवर करना है वहां तक रीच आउट हो जाएगा। तो ये बेसिक वर्किंग है लेमन लैंग्वेज अगर देखना चाहें कि व्हाट इज द वर्किंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप। अब थोड़ा साइंटिफिक या इंजीनियर टर्म में हम देखना चाहें कि कैसे हमारा रेसिप्रोकेटिंग पंप वर्क करता है, तो होता क्या, हमारे पास दो स्ट्रोक्स होते हैं। जब हमारा क्रैंक मूव कर रहा होता है तो देर आर टू स्ट्रोक, वन इज सक्शन स्ट्रोक एंड अनदर वन इज डिलीवरी स्ट्रोक। सक्शन स्ट्रोक कब होगा, जब सिलेंडर के अंदर नेगेटिव प्रेशर जनरेट होता है, उस नेगेटिव प्रेशर में क्या होगा, वाटर विल बी मूविंग इनसाइड द सिलेंडर, दैट स्ट्रोक इज नोन एज सक्शन स्ट्रोक। तो इसका मतलब क्या है, ये एंगल जो थीटा बना रखा है हमारे क्रैंक ने हॉरिजॉन्टल के साथ, आर क्या है, लेंथ ऑफ द क्रैंक है या रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच क्रैंक इज मूविंग। क्रैंक इज मूविंग विद एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा, लेंथ ऑफ दिस कनेक्टिंग रॉड इज एल। तो जब हमारा क्रैंक 0 से 180 डिग्री एंगल बनाता है, व्हेन अवर क्रैंक इज मूविंग फ्रॉम 0 टू 180 डिग्री एंगल, 0 से 180 डिग्री एंगल के बीच मूव कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, सिलेंडर के अंदर एक वैक्यूम प्रेशर क्रिएट कर रहा है, इट इज क्रिएटिंग अ वैक्यूम इनसाइड द सिलेंडर, एंड दिस मोशन और दिस स्ट्रोक इज नोन एज सक्शन स्ट्रोक। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्लियर हो गया कि व्हाट इज द सक्शन स्ट्रोक। सक्शन स्ट्रोक के कारण क्या होता है, नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है और वाटर क्या करता है, इनसाइड द सिलेंडर मूव करता है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या होता है, आफ्टर 180 डिग्री, जब 180 डिग्री से 360 के बीच हमारा क्रैंक मूव कर रहा होगा इस डायरेक्शन में, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, जब हमारा क्रैंक 180 टू 360 डिग्री में मूव कर रहा होगा, तो क्या करता है, इट पुशेस द वाटर अपवर्ड इन द डिलीवरी पाइप टू द रिजर्वायर या टू द डिजायर पॉइंट, डिजायर हाइट पे वो पुश करता है। इस स्ट्रोक को हम क्या कहते हैं, डिलीवरी स्ट्रोक कहते हैं। ठीक है, ये क्लियर है यहाँ तक। देखो इसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, अपना डिस्चार्ज वर्सेस क्रैंक एंगल का ग्राफ बनाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट ग्राफ है हमारे पास, डिस्चार्ज वर्सेस क्रैंक एंगल का। देखो जब हमारे पास सक्शन स्ट्रोक चल रहा था, जब स्ट्रक्चर मतलब जब 0 टू 180 डिग्री के बीच हमारा क्रैंक मूव कर रहा था, सक्शन स्ट्रोक इज गोइंग ऑन, उसके बीच में वॉटर क्या करता है, केवल सक्शन पाइप से सिलेंडर के बीच पहुंचता है। इस एग्जिट पॉइंट पे कोई भी वाटर रीच आउट नहीं हो रहा है, इस पॉइंट पे कोई भी वाटर रीच आउट नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, फ्रॉम 0 टू 180 डिग्री देयर इज नो डिस्चार्ज एट द आउटलेट, आउटलेट पे कोई भी डिस्चार्ज नहीं है हमारे पास। सिमिलरली जब हम ये देखते हैं कि जब हमारा क्रैंक 180 टू 360 डिग्री मूव करता है, दैट इज इन डिलीवरी स्ट्रोक। डिलीवरी स्ट्रोक में क्या होता है, वाटर पुशेज आउट फ्रॉम द सिलेंडर टू द डिलीवरी पाइप एंड रीचेस टू द आउटलेट ऑफ द पाइप। उस आउटलेट ऑफ द पाइप का मतलब क्या हो गया, जब 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच मूव कर रहा है तो धीरे धीरे हमें क्या करता है, डिस्चार्ज मिलना स्टार्ट हो जाता है। और वो डिस्चार्ज क्या होता है, एक पॉइंट पे मैक्सिमम डिस्चार्ज मिलता है, उसके बाद वो दोबारा से क्या हो जाता है, कम होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि सिलेंडर के अंदर वाटर क्या हो जाता है, एम्प्टी हो जाता है। तो ये हमारे पास सिंगल एक्टिंग पंप के लिए ग्राफ है। ये किसके लिए ग्राफ है, हमारे पास सिंगल एक्टिंग पंप के लिए ग्राफ है, जब हम सक्शन और डिलीवरी स्ट्रोक में वाटर कैसे मिलता है। वो ये एक थोड़ा सा डिटेल में बड़ा डायग्राम बनाया गया, किसी को अगर लास्ट डायग्राम में क्लियरिटी नहीं थी तो यहाँ से देख सकता है।
एक अजम्पशन हम हमेशा यहाँ मान के चलते हैं कि जो हमारा पिस्टन होता है, पिस्टन रॉड होती है, इट इज इन सिंपल हार्मोनिक मोशन. किसमें होती है? इट इज इन सिंपल हार्मोनिक मोशन. वही सारी चीजें यहाँ भी समझाई गई है. दोबारा से वही डिस्चार्ज वर्सेस क्रैंक एंगल का ग्राफ बनाया कि ये ध्यान रखेंगे हम आज के बाद. व्हेनेवर देयर इज अ सिंगल एक्टिंग पंप, इन केस ऑफ सिंगल एक्टिंग पंप ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक देयर इज नो डिलीवरी एट द आउटलेट एंड ड्यूरिंग द डिलीवरी स्ट्रोक वी विल गेट द डिस्चार्ज और वी विल गेट द डिजायर क्वांटिटी इन द रिजर्वायर. ठीक है, ये क्लियर है सबको. सिमिलरली हमारे पास वर्किंग डबल एक्टिंग पंप की भी होती है. एक छोटा सा डेविएशन सिंगल एक्टिंग से डबल एक्टिंग में ये होता है कि सिंगल एक्टिंग के केस में तो जब हमारा पिस्टन बैकवर्ड डायरेक्शन में अवे फ्रॉम दी फर्स्ट डिलीवरी पाइप या फर्स्ट सक्शन पाइप जा रहा था तब हमारा क्या होता है, यहाँ से सक्शन होता है केवल, और जब हमारे ये वापस आता है तो इस पॉइंट से हमारी डिलीवरी आती है. पर इन केस ऑफ डबल एक्टिंग देखो होगा क्या, जब दोबारा से हमारा जो पिस्टन होगा वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो इस साइड से भी सक्शन हो जाएगा, और जब हमारा पिस्टन इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो हमारा क्या होगा, इस साइड से डिलीवरी हो जाएगी. तो इसका मतलब क्या है कि जब हमारा सक्शन स्ट्रोक है तो भी देखो जब ये यहाँ से वाटर सक कर रहा है, देखो दोबारा से देखते हैं दूसरे पेन से, जब हमारा इस डायरेक्शन से वाटर को सक कर रहा है तो क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन से डिलीवरी मिल रही है. ठीक है, तो ये जो जब इसका सक्शन स्ट्रोक चल रहा है, इस डायरेक्शन से सक्शन स्ट्रोक चल रहा है तो भी हमारे पास क्या होगा, आउटलेट पे डिलीवरी मिलेगी. सिमिलरली जब वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसका मतलब यहां से जब हमारे पास सक्शन हो रहा है, इस डायरेक्शन सक्शन हो रहा है तो इससे हमें क्या मिल रही है, डिलीवरी मिल रही है. ये हमारे पास क्या होगी, डिलीवरी होगी. तो हम हमेशा ध्यान रखेंगे इन केस ऑफ डबल एक्टिंग पंप हमारे पास क्या होता है, कंटिन्यूस डिस्चार्ज मिलता है हमें एट द आउटलेट. डबल एक्टिंग पंप के केस में क्या होता है, हमें कंटिन्यूस डिस्चार्ज मिलता है एट द आउटलेट. इसका मतलब सक्शन स्ट्रोक पे और डिलीवरी स्ट्रोक दोनों ही स्ट्रोक पे हमें क्या होता है, वाटर मिलेगा रिजर्वायर में. देखो जिस तरह हमने वर्क डन ऑफ द इंपेलर देखा था वैसे ही हम क्या देखेंगे, वर्क डन ऑफ द रेसिप्रोटिंग पंप. काफी इजी है इन कंपैरिजन टू इंपेलर के वर्क डन से. वो हमारे पास क्या है, फर्स्ट सिंगल एक्टिंग पंप के लिए देख रहे हैं वर्क डन. हमने अज्यूम कर लिया कि हमारा क्रैंक इज मूविंग विद एन आरपीएम स्पीड. नंबर ऑफ डिलीवरी स्ट्रोक एक, इसका मतलब डिलीवरी स्ट्रोक एक मिनट में कितने ले लिए हमने, एन पर मिनट. एक मतलब एक मिनट में एन बार वो क्रैंक रोटेट करा, इसका मतलब डिलीवरी स्ट्रोक भी कितने हो रहे होंगे, एन डिलीवरी स्ट्रोक हो रहे होंगे क्योंकि एन आरपीएम से मतलब मूव कर रहा है. तो एक मिनट में वो कितने डिलीवर कर रहा होगा, एन डिलीवर कर रहा होगा डिलीवरी स्ट्रोक. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने मान लिया पिस्टन का कितना मान लिया, कैपिटल ए मान लिया. जो एरिया यहाँ पे था इसका एरिया, ये जो एरिया मान लिया हमने किसका मान लिया, इसका जो एरिया मान लिया हमने वो पिस्टन का एरिया कितना मान लिया, कैपिटल ए मान लिया. ठीक है, और लेंथ ऑफ द स्ट्रोक कितनी मान ली है, एल मान ली है. मतलब सिलेंडर की एक प्रकार से लेंथ हमने कितनी मान ली है, एल कैलकुलेट कर लिया. तो देखो डिस्चार्ज कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, हमारे पास जो सिलेंडर है वॉल्यूम, जो सिलेंडर ऑफ द सॉरी वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर है मल्टीप्लाइड बाई दी कितनी बार वो डिलीवरी दे रहा है हमें एक मिनट के अंदर. तो हमारे पास ये क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया. ठीक है, दिस इज डिस्चार्ज फ्रॉम दी और थियोरेटिकल डिस्चार्ज फ्रॉम दी रेसिप्रोकेटिंग पंप. कैसे निकाला हमने दोबारा बता देता हूँ, ये हमारा क्या हो गया, जो सिलेंडर का वॉल्यूम है कितना वो वाटर इकट्ठा कर सकता है और किस रेट से वो डिलीवर कर रहा है. हमने क्या बोला, 60 मिनट में या सॉरी 60 सेकंड में वो क्या करेगा, एन बार डिलीवर करेगा हमारे इतने अमाउंट ऑफ वाटर को. तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा. तो डिस्चार्ज थ्योरेटिकल डिस्चार्ज फ्रॉम द रेसिप्रोकेटिंग पंप इज ए इंटू एल इंटू एन डिवाइड बाई 60. तो दिस इज योर थ्योरेटिकल डिस्चार्ज. क्लियर है सबको. नेक्स्ट हम देखते हैं अब होता क्या है. ये तो थ्योरेटिकल डिस्चार्ज हमने वर्ड यूज क्यों किया, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज वर्ड इसलिए यूज किया है क्योंकि हो सकता है क्या हो जाए, लीकेज एंड टाइम लैग हो जाए कहीं पे. हम ये मान के चल रहे हैं कि वो एन स्ट्रोक चलेगा पर जरूरी नहीं है, कई बार क्या हो जाता है हमारे पंप से लीकेज भी हो सकती है और टाइम लैग भी हो सकता है. तो ये टाइम लैग के कारण क्या होता है, एक्चुअल डिस्चार्ज क्या होता है, जनरली डिफरेंट फ्रॉम दी थ्योरेटिकल डिस्चार्ज और ऑलमोस्ट एवरी टाइम एक्चुअल डिस्चार्ज विल बी लेस देन दी थ्योरेटिकल डिस्चार्ज, जो कि होता भी है जनरली हमारे पास. कभी कभी केसेस होते हैं डेविएशन होता है जहां पे एक्चुअल डिस्चार्ज क्या होता है, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज से ज्यादा हो जाता है. अब यहाँ पे भी सेम सक्शन सॉरी स्टैटिक हेड हमने केस इन केस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल में देखा था, इट इज द समिशन ऑफ सक्शन हेड एंड किस किस का होता है, डिलीवरी हेड का, सक्शन हेड एंड डिलीवरी हेड का समिशन होता हमारे पास. तो थ्योरेटिकल वर्क डन बाय द पंप कितना हो जाएगा, कितना उसने डिस्चार्ज डिलीवर किया है, यूनिट वेट ऑफ द वाटर. बट ये डब्ल्यू क्या शो कर रहा है, इट इज शोइंग यूनिट वेट ऑफ द वाटर, यूनिट वेट ऑफ द वाटर मल्टीप्लाइड बाई डिस्चार्ज कितने हेड में, कितने डिस्चार्ज में उस या कितने हेड ऑफ उसे वर्क करना पड़ा. इट इज डिनोटिंग थ्योरेटिकल डिस्चार्ज या थ्योरेटिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम. पर यूनिट टाइम हमारा थ्योरेटिकल डिस्चार्ज कितना होगा या थ्योरेटिकल वर्क डन कितना होगा, डब्ल्यू इंटू या यूनिट वेट ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय थ्योरेटिकल डिस्चार्ज मल्टीप्लाई बाय स्टैटिक हेड डिवाइड बाय 60.
देखो लास्ट में अगर हमें कैलकुलेट करने के लिए पूछा जाए कि एक प्लंजर पे कितना फोर्स लग रहा है ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक एंड और ड्यूरिंग डिलीवरी स्ट्रोक, सक्शन स्ट्रोक और डिलीवरी स्ट्रोक में हमें कितना फोर्स लग रहा है एक प्लंजर पे, देखो कैसे निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे सिलेंडर के अंदर कितना प्रेशर है मल्टीप्लाइड बाय द एरिया। तो सिलेंडर के अंदर कितना प्रेशर है, अब जैसे इस केस में हम देखते हैं कि इस सिलेंडर के अंदर जितना प्रेशर होगा मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा, वाटर पे जितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहा होगा मल्टीप्लाइड बाय द एरिया, इस पिस्टन का जो एरिया होगा हमारे पास। तो देखो सिलेंडर के अंदर कितना प्रेशर होगा ड्यूरिंग सक्शन टाइम, जब सक्शन चल रहा होगा तो कितना हेड ऑफ प्रेशर जनरेट कर लिया है एचएस, कितना प्रेशर जनरेट कर लिया एचएस, तो हमने उसे क्या कर लिया हेड, हेड को किससे मल्टीप्लाई कर दिया यूनिट वेट ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या हो गया प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर व्हेन सक्शन स्ट्रोक इज टेकिंग प्लेस, जब सक्शन स्ट्रोक हो रहा है तो हमारे पास इनसाइड द सिलेंडर कितना प्रेशर है गामा इनटू एचएस, उसको मैंने क्या किया एरिया ऑफ द पिस्टन से मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली अगर मैं यहां पे देखता हूं कि यूनिट डिलीवरी स्ट्रोक के टाइम पे हमारे जो पिस्टन है उस पे या प्लंजर है उस पे कितना फोर्स लग रहा होगा, वो कितना होगा यूनिट वेट मल्टीप्लाइड बाय दी एचडी, एचडी क्या है डिलीवरी हेड मल्टीप्लाइड बाय दी एरिया, इन दोनों की वेस्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या शो कर रहा होगा फोर्स एक्टिंग ऑन दी प्लंजर ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक एंड फोर्स एक्टिंग ऑन दी प्लंजर ड्यूरिंग डिलीवरी स्ट्रोक। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्क डन बाय दी डबल एक्टिंग पंप। देखो सिंगल एक्टिंग और डबल एक्टिंग में मैंने जैसे पहले बताया कि छोटा सा डिफरेंस होता है, क्या डिफरेंस होता है सिंगल एक्टिंग के केस में हमारे क्रैंक के मोशन के साथ एक ही बार डिलीवरी हो रही होती है, डबल एक्टिंग में क्या होता है डबल डिलीवरी होती है हमारे पास। तो इसका मतलब क्या है उस केस में अगर 60 सेकंड में n बार डिलीवरी हो रही थी हमारे, तो इस केस में अगर हमारा जो क्रैंक है n स्पीड से मूव कर रहा है तो हमारे पास कितनी बार डिलीवरी हो जाएगी एक मिनट में 2n डिलीवरी हो जाएगी। यही लाइन यहाँ पे लिखी हुई है कि एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में हमारे पास कितनी होती है 2 डिलीवरीज होती है। तो इसका मतलब 60 सेकंड में हमारे पास क्या होगा 2n पर मिनट की डिलीवरी होगी और वी कैन से n बाय 30 का टर्म होगा। अब पर यहाँ पे देखो उस केस में हमने क्या दिया था वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हमने कितना ले लिया था, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर वी हैव टेकन एज a एरिया इनटू लेंथ ऑफ द स्ट्रोक, एरिया हमने क्या लिया एरिया इसका एरिया ले लिया, ये एरिया हो गया मल्टीप्लाई बाय द लेंथ ऑफ द स्ट्रोक, कितना लेंथ ऑफ द स्ट्रोक है कितना हमारा पिस्टन मूव कर सकता है इनसाइड द सिलेंडर। इस केस में हमारे पास क्या होगा देखो एरिया का जब हम देखेंगे तो एरिया एक बार याला एरिया भी यूज कर रहा है वो फ्रंट साइड और एक बार बैक साइड का एरिया भी यूज कर रहा है, पर बैक साइड के एरिया में हमें क्या माइनस करना पड़ेगा ये जो हमारे पास रॉड है जो पिस्टन रॉड है उसका एरिया माइनस करना पड़ेगा, वही चीज हमने यहाँ पे करी है। देखो हमने क्या किया एरिया इज ए इज द एरिया ऑफ द सिलेंडर और जब हमारे पास दूसरी साइड का हम देखेंगे तो एपी इज द एरिया ऑफ द पिस्टन रॉड जो हमारे पास पिस्टन रॉड है उसके साथ। तो इस केस में जो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हो गया वो कितना हो गया ए इंटू एल प्लस A माइनस ए पी इंटू एल, ये हमारे पास क्या हो गया वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हो गया। सिमिलरली थियोरेटिकल डिस्चार्ज निकालना है तो क्या बोला मैंने वॉल्यूम इनसाइड द सिलेंडर मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ टाइम्स इट इज डिलीवरिंग द वाटर। तो इस केस में जो नंबर ऑफ टाइम इट इज डिलीवरिंग द वाटर वो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, हमें क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करने का जो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या करना पड़ेगा हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस केस में अभी हमने क्या किया एक बार हमने एक साइड के सक्शन की वजह से लिया है, एक साइड के सक्शन डिलीवरी की वजह से लिया है और इस बार एक साइड दूसरे साइड के सक्शन डिलीवरी, पर जनरली होता क्या है एपी हमारे पास क्या होता है नेग्लिजिबल होता है इन कंपैरिजन टू टोटल एरिया, तो हम उसे जीरो मान के चल लेते हैं। तो हमारे पास जो थ्योरेटिकल डिस्चार्ज आता है वो कितना आता है 2 टाइम्स ऑफ ए इंटू एल इंटू एन बाय 60, दिस इज योर थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। तो यहाँ पे और दोनों में सिंगल एक्टिंग और डबल एक्टिंग में क्या डिफरेंस आया देखो यहाँ पे जो ए एल एन बाय 60 था यहाँ पे क्या होगा ट्वाइस ऑफ ए एल एन बाय 60 हो गया, दिस थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार कि कैलकुलेट दी क्वांटिटी ऑफ डिस्चार्ज डिलीवर्ड बाय दी सिंगल एक्टिंग और डबल एक्टिंग पंप, बाकी सारी चीजें दी हुई होंगी हमें डायरेक्टली डिस्चार्ज कैलकुलेट करना होगा थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। सेम जैसे हमने वर्क डन निकाला लास्ट केस में इस केस में भी हम वर्क डन निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन दी प्लंजर भी निकाल सकते हैं जब हमारा प्लंजर लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा हुआ और एक बार राइट टू लेफ्ट, देखो इसमें हम डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि कौन सा सक्शन स्ट्रोक है कौन सा डिलीवरी, इसलिए हमने क्या किया एक बार जब हमारा प्लंजर लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है और एक बार जब हमारा प्लंजर राइट टू लेफ्ट मूव कर रहा है, सेम कुछ नहीं करना होगा हमें, क्या करना होगा एक साइड उस पर सक्शन हेड लग रहा होगा सक्शन की वजह से प्रेशर लग रहा होगा और एक साइड हमारा क्या लग रहा होगा डिलीवरी की वजह से प्रेशर लग रहा होगा। सिमिलरली एक दूसरे केस में एक साइड डिलीवरी की वजह से प्रेशर लग रहा होगा और एक बार सक्शन की वजह से प्रेशर लग रहा होगा, तो ये दोनों भी हमारे क्या हो गए फोर्स एक्टिंग ऑन दी पिस्टन एंड प्लंजर। नेक्स्ट टाइम हमारे पास आता है स्लिप ऑन दी रेसिप्रोकेटिंग पंप। अब स्लिप क्या होता है हमारे पास स्लिप इज द डिफरेंस बिटवीन दी थ्योरेटिकल डिस्चार्ज एंड एक्चुअल डिस्चार्ज, स्लिप इज द डिफरेंस बिटवीन दी थ्योरेटिकल डिस्चार्ज एंड एक्चुअल डिस्चार्ज।
थियोरेटिकली जो डिस्चार्ज का भी हमने फॉर्मूला देखा और एक्चुअली जो फील्ड में हमें डिस्चार्ज मिलता है, इन दोनों के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, स्लिप कहते हैं। अब स्लिप एक्चुअली हम डिनोट करते हैं इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज स्लिप। हमेशा स्लिप किस में डिनोट किया जाता है, वो क्या है, परसेंटेज की टर्म में डिनोट किया जाता है। परसेंटेज कैसे लिखेंगे हम, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज माइनस एक्चुअल डिस्चार्ज होल डिवाइड बाय द थ्योरेटिकल डिस्चार्ज, मतलब इन कंपैरिजन टू थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। तो दो अगर हमने थ्योरेटिकल डिस्चार्ज से डिवाइड किया तो हमारे पास एक टर्म आया QA by QT। अब ये QA by QT क्या होता है, actual by theoretical discharge is always denoted by CD। ये देखा हमने पाइप, जब पाइप वगैरह की हम बात करते थे हमने कोफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज का एक टर्म देखा है, तो ये हमारे पास टर्म के यहाँ पे भी ये टर्म क्या कहलाता है, कोफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज कहलाता है, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे लिखा हुआ है अगर कोई पंप वेल मेंटेन्ड है तो उसका जो स्लिप रहता है जनरली इट इज ऑफ ऑर्डर ऑफ 2%। यहाँ पे जब भी हम देखो बात कर रहे हैं तो हमने अभी क्या बोला, इससे पहले हमने देखा जनरली फॉर मोस्ट ऑफ द केसेस थ्योरेटिकल डिस्चार्ज इज ऑलवेज ग्रेटर देन द एक्चुअल डिस्चार्ज, पर मैंने बोला था मोस्ट ऑफ द केसेस, कुछ केसेस हमारे पास ऐसे होते हैं जब हमारा एक्चुअल डिस्चार्ज क्या हो जाता है, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज से ज्यादा हो जाता है, तो उस केस में जो स्लिप की वैल्यू होगी, एस की वैल्यू होगी, वो क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगी। तो उस केस में जो स्लिप आता है दैट इज नोन एज नेगेटिव स्लिप, ठीक है। इन केस वेयर एक्चुअल डिस्चार्ज इज मोर देन द थ्योरेटिकल डिस्चार्ज, उस केस में हमारे पास क्या होता है, स्लिप क्या होता है, नेगेटिव। अब क्वेश्चन अराइजेस ऐसा कैसे हो सकता है कि एक्चुअल डिस्चार्ज ज्यादा हो जाए थ्योरेटिकल डिस्चार्ज से, होता क्या जब हमारा पंप हम बहुत ज्यादा स्पीड से चला रहे होते हैं, अगर यहाँ पे हम देखें तो अगर हम अपना पंप बहुत ज्यादा स्पीड से चला रहे होते हैं तो कई बार क्या होता है कि ये वॉल्व हमारे पास जो नॉन रिटर्निंग वॉल्व होता है यहाँ पे सक्शन वॉल्व में, वो खुला रह जाता है और डायरेक्टली वाटर क्या करता है यहाँ से सिलेंडर पे ना जाके डायरेक्टली फ्रॉम सक्शन पाइप टू डिलीवरी पाइप में चले जाता है। तो एक जो वाटर यहाँ से एंटर करना था वो तो एंटर कर लिया क्यू थ्योरेटिकल की जो जिसकी वैल्यू थी ALN by 60 और कुछ एडिशनल वाटर भी चले गए यहाँ पे, तो इन दोनों का समीशन जो होगा ऑब्वियसली किससे ज्यादा है, थ्योरेटिकल से ज्यादा है, तो जो एक्चुअल डिस्चार्ज जो होगा वो क्या हो जाएगा, क्यू थ्योरेटिकल प्लस क्यू डैश। तो इस केस में हमारे पास जो एक्चुअल डिस्चार्ज होता है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थ्योरेटिकल डिस्चार्ज, और यहाँ पे जो स्लिप मिलेगा वो क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, यही लाइन यहाँ पे इस पैराग्राफ में लिखी हुई है। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, इफेक्ट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पिस्टन। अब होता क्या है, हम इसे एक काम करेंगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, फिर यहाँ तक कभी कवर कर लेते हैं।